दोस्तों, अगर आप सीरियल देखते होंगे तो अनुपमा को जरूर जानते होंगे। हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ स्टार प्लस के फेमस सीरियल अनुपमा की। आपको बता दें, यह सीरियल टॉप 5 में आता है। अनुपमा का रियल नेम रूपाली गांगुली है। इस सीरियल की वजह से रूपाली गांगुली काफ़ी फेमस हो गई हैं। रूपाली गांगुली का जन्म 5 अप्रैल 1957 को कोलकाता, वेस्ट बंगाल में हुआ था। इनके पिता का नाम अनिल गांगुली है और इनकी माता का नाम रजनी गांगुली है। इनका भाई भी है जिसका नाम विजय गांगुली है। इनके पिता फिल्म निर्माता हैं, जिसके कारण इन्हें फिल्मों में बचपन से ही रोल्स मिल जाते थे। रूपाली गांगुली ने अपने स्कूल की शिक्षा बेल्टला गर्ल्स हाई स्कूल कोलकाता से की थी। इसके बाद इन्होंने जोग माया देवी कॉलेज कोलकाता से अपने कॉलेज की डिग्री प्राप्त की। रूपाली ने पहली फिल्म एक चाइल्ड एक्ट्रेस के रूप में की। इस फिल्म में मिथुन चक्रवर्ती भी थे और इस फिल्म का नाम साहिब था। इसके बाद रूपाली ने अंगारा, दो आंखें 12 हाथ, मेरा यार दुश्मन और सतरंगी पैराशूट जैसी फिल्मों में भी काम किया है। इन्होंने फिल्मों के अलावा साल 2000 में सीरियल में भी काम करना शुरू कर दिया। सबसे पहले वह सुकन्या सीरियल में दिखी, इसके बाद वह संजीवनी, भाभी, सारा भाई वर्सेस सारा भाई, कहानी घर घर की, एक पैकेट उम्मीद, आपकी अंतरा, परवरिश कुछ खट्टी मीठी, मुझे मेरी फैमिली से बचाओ सीरियल में भी इन्होंने काम किया है। रूपाली ने जरा नच के दिखा, फियर फैक्टर, खतरों के खिलाड़ी सीजन 2, किचन चैम्पियन सीजन 2 और मीठी छुरी नंबर जैसे शो में भी इन्होंने काम किया है। साल 2020 में रूपाली अनुपमा सीरियल का हिस्सा बन गई। इस सीरियल में रूपाली अनुपमा का किरदार निभा रही हैं। आपको बता दें, अनुपमा के इस रोल को लोग काफ़ी पसंद कर रहे हैं। अनुपमा इस समय का नंबर 1 सीरियल चल रहा है। रूपाली गांगुली को इस सीरियल की वजह से एक अलग सी पहचान मिली। साल 2013 6 फरवरी को रूपाली ने अपने प्रेमी अश्विन के वर्मा से शादी कर ली। 25 अगस्त 2015 को रूपाली ने एक बेटे को जन्म दिया जिसका नाम रुद्रांश है। दोस्तों, ये था रूपाली गांगुली के ज़िंदगी का सफ़र। आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि आप अनुपमा सीरियल देखते हैं कि नहीं। अगर आप अनुपमा सीरियल देखते हैं तो कमेंट बॉक्स में यस लिखें और नहीं देखते हैं तो कमेंट बॉक्स में नो लिखें। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।